समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की अचानक तबीयत खराब हो गई है, जिसके बाद मुलायम सिंह यादव को मेदांता अस्पताल के आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। दरअसल मुलायम सिंह यादव पिछले कई दिनों से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं और अचानक उनकी हालत बिगड़ने के बाद आईसीयू में उन्हें शिफ्ट किया गया है। आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव का पिछले काफी समय से स्वास्थ्य खराब है और तभी से वो मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज डॉक्टर सुशीला कटारिया की देखरेख में चल रहा है। वहीं मुलायम सिंह यादव की जानकारी लगते ही यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुलायम सिंह यादव के जल्द स्वस्थ होने की कामना की और ट्वीट कर उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सेहत खराब होने की जानकारी प्राप्त हुई है। मैं भगवान से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना एवं प्रार्थना करता हूँ। आपको बताते, पहले भी मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ी थी, तब भी उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 82 साल के मुलायम सिंह यादव को बेचैनी महसूस होने पर अस्पताल लाया गया था, जहां उनकी तबीयत बिगड़ी थी। हालांकि कई दिनों तक इलाज चलने के बाद उन्हें छुट्टी मिल गई थी। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।